कुछ तो खूबी होगी उनमें जो किसी की आंखों का नूर तो किसी के सर का ताज बने हैं, वरना प्यादे तो और भी खड़े थे इस शतरंज के खेल में। नमस्कार, मैं अनिल के कुमार इम्प्रिंट एनएलपी मास्टर लाइफ कोच आज आपके साथ जुड़ा हूं दोस्त। और आपका सवाल है, सफल और बड़े लोगों में क्या खूबी देखी है? दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूं, जहां तक मैंने लोगों की ऑटोबायोग्राफी पढ़ी है और मैं लोगों से मिला हूं, तो मैंने उनमें क्या खूबियां देखी हैं। तो उसमें सबसे पहली आती है उन सभी के, जो लोग आज किसी मुकाम पे हैं, किसी सफलता के शिखर पे हैं, उन सभी के अपने गोल क्लियर होते हैं कि उनको कहाँ जाना है और कब तक जाना है, यानी कि क्या अचीव करना है और कितना अचीव करना है, सब कुछ उनका क्लियर होता है दोस्त। दूसरी चीज जो मैंने उनके पास ऑब्जर्व की कि वो एक स्ट्रेटजिक प्लानिंग के साथ काम करते हैं, उन्हें पता होता है कि अगला स्टेप उनका क्या होगा और यदि स्टेप में ये रिएक्शन आएगा तो उनका स्टेप क्या होगा और बी रिएक्शन आएगा तो स्टेप क्या होगा। वो अपनी एक प्लानिंग के साथ में काम करते हैं, कोई भी अनस्ट्रक्चर्ड काम नहीं होता है दोस्तों उनका। तीसरी सबसे बड़ी चीज जो मैंने उनमें देखी कि वो अपने ऊपर और अपने आइडिया पे पूरी तरह विश्वास करते हैं, क्योंकि वो उसके साथ अलाइंड होते हैं दोस्तों। वो अपने आइडिया पे बिलीव करते हुए, अपने प्रोजेक्ट पे बिलीव करते हुए काम करते हैं, उनको कहीं भी शक नाम की चीज नहीं होती उनके पास कि ये हो गया तो क्या होगा। दोस्तों अगला आता है दोस्त, जो सक्षम लोग हैं वो अपने बिजनेस, अपने आइडियाज और अपने सिस्टम के साथ पूरी तरह अलाइंड हैं। उनको उस काम को करने में शर्म नहीं आती, ना ही उस काम के बारे में बताने में शर्म आती है, ना ही वो किसी भी तरह से उस काम से झिझक मानते हैं। वो उस काम को नहीं करते जो उनके साथ में इंटीग्रेट नहीं होता, जिनमें वो जिनके साथ वो एसोसिएट नहीं होते। वो जिस काम को करते हैं उस काम में वो पूरी तरह इंटीग्रेटेड होते हैं। हम उसको न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में उसके आइडेंटिटी कहते हैं। वो उस काम को अपनी आइडेंटिटी बनाते हैं, वो उस काम के बारे में बताने में अपने को आपको प्राउड फील करते हैं। जब तक कोई भी व्यक्ति किसी काम के साथ में अपने आप को एसोसिएट नहीं करेगा, वो उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेगा। दोस्त तो अगली चीज है कि उन लोगों के पास किसी भी सिचुएशन को इवेल्युएट करने की कैपेसिटी होती है। उनके पास एक्सपीरियंस होता है कि इसके बाद में इसका क्या एक्शन होना है, क्या रिएक्शन होना है और किस तरह से इसका परिणाम आगे हम लीड करेंगे। देखिए दोस्त, सबको वही 24 घंटे मिलते हैं, लेकिन सफल लोग अपने हर मिनट को, हर सेकंड को प्रॉपर यूटिलाइज करते हैं, ताकि वो हर सेकंड को सफलता की तरफ अग्रसर होने में लगा सके। अगला पॉइंट आता है दोस्तों, जो उनमें देखा जाता है कि वो प्रायोरिटी मैनेजमेंट बहुत बेहतर करते हैं। अमूमन आपने देखा होगा किसी चीज के लिए फॉर्म निकलते हैं तो उसको 1 महीने का टाइम दिया जाता है, लेकिन लेकिन कुछ लोग उसको समय से ना भर करके लास्ट डेट के इंतजार में खड़े होते हैं और लास्ट दिन इतना प्रायोरिटी बना देते हैं उस चीज की, उसके लिए 2 दिन लाइन में खड़े होकर के उस फॉर्म को फिल करवाते हैं। तो दोस्तों इसी तरह सक्सेसफुल लोग अपना एक बैलेंस बना के रखते हैं, प्रायोरिटी मैनेजमेंट बहुत बेहतर तरीके से करते हैं। एक हंसती खिलखिलाती लाइफ का सबसे बड़ा वजूद है कि अपनी हेल्थ, अपनी फैमिली और अपने बिजनेस के बीच में वो बहुत बेहतरीन बैलेंस बना के रखते हैं। वो किसी भी चीज को अवॉइड नहीं करते, ना अपनी हेल्थ में कोई कंप्रोमाइज करते हैं, ना अपनी फैमिली के सामने कोई कंप्रोमाइज करते हैं, ना ही वो बिजनेस टाइम पे कोई कंप्रोमाइज करते हैं। वो हर चीज में एक बेहतरीन सामंजस्य बना के रखते हैं, जो उनकी सफलता की कुंजी होता है दोस्त। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स करके मुझे जरूर बताएं, और किसी चीज के बारे में आपको जानना हो वो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें।